सो गाइस सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग, मैं आया हूँ अलबुराग गोट फार्म, ये है जोगेश्वरी में। आपको मैं कॉन्टेक्ट में नंबर और डिस्क्रिप्शन सब कुछ एड्रेस वगैरह सब साथ में एक साथ डाल दूंगा। मेरे साथ ये भाई है जिनके ये बकरे हैं। भाई आपका नाम? हमजा। हमजा नाम है भाई का। अभी बकरे बताएंगे ये, काफ़ी लोग देवनार जा रहे हैं लेकिन यहाँ कोई नहीं आ रहा है कोई एक्सप्लोर करने, तो मैं बोला मैं आ जाता हूँ भाई लोग के फार्म पे। तो अभी आओ भाई एक्सप्लोर करते हैं। भाई आपके पास कौन कौन से किस्म नस्ल के बकरे? मतलब सोजात है, मेवाती है, कश्मीरी है, गुजरी है। अच्छा, और अपने पास मतलब क्या नग में मिल रहा है या किलो में? किलो पे भी है, नग पे भी है। किलो पे भी है, नग। जैसे कि आप लोगों को पता है गाइस, ये यहाँ पर किलो पे भी बेच रहे हैं, नग में भी बेच रहे हैं। तो ये आप जो सोजा थे ये ज़्यादातर, तो ये आप किस में बेच रहे हो? सोजा 625 रुपया 90 किलो तक का बकरा। अच्छा, और जो 90 के ऊपर जा रहा है वो नग पे। ये नेगोशिएबल है? हाँ, नेगोशिएबल। सो गाइस ये नेगोशिएबल भी है, मतलब ऊपर नीचे हो जाएगा, जैसे भी आप लोग आओगे ना तो ऊपर नीचे हो जाएगा। भाई बकरे दिखा दो ना, मतलब भाई आपका नाम? रेहान। रेहान, ये दोनों भाई मेरे साथ लगे हुए। भाई ये आपके हिसाब से कितने किलो का बकरा है? एक दस? ये 100 प्लस है। ये 100 प्लस है गाइस, आप देख सकते हो। तो भाई ये इसका रेंज क्या रहेगा? इसका नक पे रहेगा। नक पे रहेगा ना, और ये सो जाती है ना? हाँ, सो जाते हैं। तो इसको देख सकते हो गाइस, जैसे कि आप बहुत माशाल्लाह खूबसूरत बकरा है। ये सब कहाँ के है भाई? ये अजमेर राजस्थान के। ये सब राजस्थानी बकरे। घुमाओ ना भाई, थोड़ा सा घुमा लो गाइस। इसका आगे का पोर्शन देखो गाइस, बहुत माशाल्लाह, पैर देखो कितना ठोस है इसका। भाई माशाल्लाह बकरा है यार। भाई ये सब क्या आप लोग फार्म के बकरे सब? जी भाई जी, ये सब मतलब गाइस ये खुद के बकरे, मतलब घर के बच्चे हैं ये, कोई जंगली नहीं है। अब भाई आपका मतलब यहाँ पर कोई हैवी है? जैसे ये सबसे हैवी लगा माशाल्लाह, इसमें और भी कोई हैवी बकरे हैं आपके? हैवी है, मुंडा खड़ा है। तो जैसे कोई जोड़ी लगाने आया भाई आपके पास, तो आप उसके लिए नेगोशिएबल? हाँ, नेगोशिएबल कर देंगे भाई। तो क्या रेंज में मतलब नेगोशिएबल करोगे? रेट तो यहाँ पर ही बताएंगे, यूट्यूब पे रेट बताते ना भाई, तो कैसा मसला रहता है कमेंट में बोलते हैं। अच्छा, लेके आया बहुत महंगा है। तो गाइस कमेंट करते हैं, देखो चीज़ इनकी है गाइस, और पैसा आप लोग का रहेगा, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये भाई लोग ही करेंगे। तो आप लोग आना इंशाल्लाह भाई, किसी को नाखुश मत करना भाई।, भाई। तो और भी बकरे देख सकते हो, ये सारे बकरे सो जाते हैं? सारे सो जाते भाई। ये जो बाड़े में वाइट बकरे, ये सारे सो जाते। ये सारे कितने बकरे आपके पास, मतलब आपका टोटल बाड़ा कितना है? 400 बकरे अभी मेरे। माशाल्लाह भाई 400 बकरे यहाँ पर लेके आए। तो मतलब ये मिनी मंडी है एक हिसाब से, मंडी काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह, और यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी आप देख सकते हो बहुत अच्छी की गई है, ताकि बकरे भीगे ना और बीमार ना हो। सबसे अच्छा चीज़ ये कि आप लोग भाई अल्लाह कामयाब करे। और दूसरी चीज़ भाई, टोटल 400 ही बकरे हैं जी जी, और वाइट में कितने हैं? सोजत में कितने बकरे? सोजत में 100 बकरे हैं। सोजत में माशाल्लाह 100 बकरे हैं, और सब जहाँ तक है माशाल्लाह 50 के ऊपर ही बकरे हैं, सब अच्छे खासे ठोस बकरे आप देख सकते हो। और भी कोई बकरे जिसको आप खुद से दिखाना चाहते हो भाई? और कश्मीरी है। कश्मीरी है, उसको भी देखेंगे। खूबसूरती में है कश्मीरी। किसमें भाई? खूबसूरती में। खूबसूरती में, हाँ माशाल्लाह मैंने भी देखा, वो तो मैं जूम शॉट ले लिया होगा इस, आप देखिए लोगे अलग अलग किस्म का कश्मीरी है। और भी कोई बकरे जो आप दिखाना चाहते हो? गाइस देखो माशाल्लाह इनके पास क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी है, काफ़ी बकरे हैं और सब प्यारे प्यारे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। हम भी एक बकरे हैं भाई, इधर लेके आ जाओ, थोड़ा इधर लेके आ जाओ। तो माशाल्लाह भाई, भाई इसका क्या है बोल रहे हो? ये भी 100 प्लस ही मेरे को लग रहा है, ये 85-90 है माशाल्लाह। लेकिन भाई इसकी हाइट उससे ज़्यादा लग रही है, क्यों ऐसा? हाइट का वो मसला नहीं है ऐसा, मतलब वेट में वो बकरा है, ये हाइट में। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, देख सकते हो भाई ये बकरा मेरे सीने तक तो आराम से आएगा, जब थोड़ा और उठाएगा। इसका भी भाई वही प्राइस है, मतलब वही केजी के हिसाब से 625। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है ठीक है। तो अब आगे चलते हैं भाई, चलो। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, अब हम लोग आ गए राजस्थानी में, जो माशाल्लाह यहाँ पर भी हाइड्रेटेड बकरे हैं। तो भाई ये जो आप बकरा पकड़े हो, ये आपका फेवरेट बकरा है क्या? जी जी भाई। तो ये आप खुद ही से पाले हो ऐसा लग रहा है भाई, ये सब घरेलू बकरे हैं। तो इसका क्या वेट है भाई? इसका 91 है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, इसका वेट 91 है। और भाई इस इधर पे भी क्या नगमे या फिर केजी? किलो पे। इधर किलो पे जी। तो इधर पर किलो का कितना? इधर 70 किलो से नीचे का बकरा 550 रुपया, और 70 किलो से ऊपर का बकरा 580 रुपये किलो। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ के जो बकरे है, ये अगर 70 किलो के नीचे रहेगा तो 550, और 70 किलो के ऊपर रहेगा 580। अब भाई इधर पे मतलब ऑल टोटल आपके पास राजस्थानी भी कितने अवेलेबल से? अपने पास राजस्थानी है कम से कम 350 बकरे। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, देख सकते हो यहाँ पर 250 बकरे इनके पास राजस्थानी अवेलेबल है, हर कलर में। मतलब ज़्यादातर आप ब्राउन, वाइट आप देख सकते हो, वो वाइट दिखा दो, वहाँ पर वाइट है, और यहाँ पर ब्राउन है,
और काफ़ी सारे बकरे हैं। और भाई सब बकरा मतलब मिनिमम कितने केजी का हो सकता है यहाँ पर? मिनिमम 35 kg से स्टार्ट है। जैसे कोई आएगा भाई, जैसे कोई बजट वाले लोग बजट नहीं कर पाते तो उन लोग के लिए आपके पास बकरे अवेलेबल है? तो कितने केजी के बकरे हैं? 35 kg से स्टार्टिंग। माशाल्लाह भाई, मतलब यहाँ पर जो भी आएगा ना, नाखुश होके नहीं जाएगा, इंशाल्लाह सबको खुशी कर दोगे भाई। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस, आपके भाई आपके पास बर्बरी अवेलेबल नहीं है क्या? है, देसी बकरे भी अवेलेबल। देसी है, बर्बरी नहीं, मतलब बर्बरी दूसरे है, बस देसी है काफ़ी। चलो देसी भी है माशाल्लाह, इसी में होंगे अब, उसको तो हम लोग ढूंढ नहीं सकते हैं। अब भाई लोग माशाल्लाह भाई 400 बकरा लेके आए, ये मिनी मिनी देवनारी हो गया है। तो आगे चलो और भी बकरे देखते हैं। और इसमें आपका कौन सा फेवरेट बकरा भाई? इसमें एक ये बकरा बड़ा है, इससे बड़ा है 95 kg का। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बकरा देखो गाइस, ये 95 kg का है भाई, इसको ज़रा दिखाओ। माशाल्लाह गाइस, इसका ये देखो, ये 95 kg का बकरा है और ये लग भी रहेगा। इसे मेरे को तो 100+ लग रहा था, लेकिन भाई सच्चाई बोल रहे हैं, बोल रहे 95 kg का है। तो भाई इसमें एक खास बात क्या है? इसकी हाइट भी है भाई माशाल्लाह, राजस्थानी में गाइस देख सकते हो, माशाल्लाह हाइट भी है इसकी और ये वेट में भी अच्छा खासा है। और ये भाई कितना पड़ेगा मतलब केजी के हिसाब से? 580 रुपया किलो है। वही 580 रुपया पड़ेगा केजी के हिसाब से, और अगर 70 kg के नीचे रहता तो 550 पड़ता। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। और कोई है बकरा आपके पास ऐसा? बहुत सारे होंगे काफ़ी, वो लेके आ जाओ ना भाई, वाइट वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह गाइस, ये बहुत चरफर बकरा है माशाल्लाह भाई। ये कितने केजी का होएगा? ये अप्रॉक्स 75-80 होएगा। ये 75-80 kg का बकरा है माशाल्लाह। और ये भाई कितने दांत का है? ये 4 दांत का है भाई माशाल्लाह। ये गाइस देख सकते हो, ये 4 दांत का है भाई, आप इसका आगे ले सकते हो। इसको घुमाओ भाई, इसका दांत दिखाओ गाइस, इसका आप दांत देख सकते हो कितने दांत का है, ये 4 दांत का है। तो गाइस माशाल्लाह बकरा भी अच्छा है, इसका भी वही रहेगा भाई रेट जी भाई। तो ठीक है गाइस, अब आगे चलते हैं। अब किस पे जाते हैं भाई? कश्मीरी पे जी। चलो ठीक है कश्मीर भाई, आपके पास ये अंडुल है? हाँ अंडुल भी है। फैंटम नहीं? ओके ठीक है, तो अंडुल पे भी जाएंगे, पहले कश्मीरी पे चलते हैं। तो चलो, सो गाइस फाइनली अब हम आ गए कश्मीरी बकरे देखने में। ये कश्मीरी है। तो भाई आपके पास कितने कश्मीरी अवेलेबल है अभी? ये भी अराउंड 35-40 है। तो भाई के पास कश्मीरी अराउंड 35-40 है। और भाई ये नेगो मतलब ये नग में या केजी में? कश्मीरी नग पे है भाई, कश्मीरी भी नग पे। तो अभी जैसा ये बकरा, ये ब्लैक एंड वाइट है ये, तो आप इसका क्या प्राइस बोलेंगे? इसका प्राइस भाई 46,000 भाई। ये नेगोशिएबल रहेगा? ये नेगोशिएबल रहेगा। बहुत अच्छे भाई माशाल्लाह, ये सारे भाई नेगोशिएबल रहेंगे जहाँ तक है। तो इसमें सबसे हाई मतलब सबसे कौन सा वेट, जो जिसमें वेट ज़्यादा है वो कौन सा बकरा है? यही है, यही ब्लैक वाला है, ब्लैक एंड वाइट। एक ये है, एक ये है। और मेरे ख्याल से ये जोड़ी है क्या भाई? ये जी जी भाई जोड़ी है। और इसका क्या मतलब, सब नेगोशिएबल है और सब प्योर कश्मीरी है जी? एकदम प्योर है भाई। और इसमें कश्मीरी में कोई अंडू भी आते क्या? ये अंडू बैठा है। तो गाइस देखो कश्मीरी में अंडू, भाई आप उठा सकते हो क्या? नहीं ये नहीं। तो गाइस आप देख सकते हो कश्मीरी में अंडू भी आते हैं। तो ये कश्मीरी में देखो भाई अंडू उठा रहे, काफ़ी एग्रेसिव है गाइस। भाई ये भी घर का ही है जी भाई, घर का ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कितने दांत का बकरा है भाई? 6 दांत गाइस, ये 6 दांत का बकरा है माशाल्लाह। तो आपका हाथ क्यों काँप रहा है? ठीक है, तो भाई ये क्या प्राइस रहेगा इसका? इसका 44 माशाल्लाह भाई, ये नेगोशिएबल रहेगा जी जी इंशाल्लाह गाइस। ये कश्मीरी अंडुल है, इसका 44 प्राइस बोल रहे हैं, लेकिन ये नेगोशिएबल है चीज़, इनकी पैसा आपका, वही मैं बार बार बोलूँगा। तो आप लोग आके बार्गेनिंग कर लेना भाई, कम कर देंगे भाई, कम कर दोगे जी इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब खुश होके जाएंगे। तो आपके पास टोटल अभी कितने कश्मीरी अवेलेबल है भाई? अभी 35-40 कश्मीरी अवेलेबल है भाई। भाई के पास 35-40 कश्मीरी अवेलेबल है। अब जाते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन सा भाई अपने पास? नेक्स्ट अपने पास बड़ा बड़ा माल है, गुजरी में, राजस्थानी में। वो भी राजस्थानी है, बड़ा माल है थोड़ा, तो आओ वो भी देख लेते हैं, शायद वो लास्ट रहेगा ना कि और भी। उसके बाद एक और छोटा माल है, उसके बाद में छोटा माल भी दिखा देना भाई, कैसा बहुत सारे लोग के लिए रहेगा। तो ठीक है मैं आपको छोटा माल भी दिखा दूंगा, तो आप आ जाते पहले बड़े पे। तो चलो भाई चलते, चलो गाइस। सो गाइस अब आ गए हम बड़े बकरे पे, ये माशाल्लाह देख सकते हो, ये बड़े राजस्थानी है, ये 80-100 मतलब 80 के ऊपर ही सारे बकरे हैं भाई। ये कितने केजी का बकरा है? ये 120 kg का है भाई, 120 kg का बकरा है। आप माशाल्लाह देख सकते हो, और आप इसका सीना भी देख लो गाइस, पूरा भरा हुआ है, पूरा ठोस है, मतलब हम लोग के गर्दन तक आ रहा है गाइस, बहुत ऊंचा बकरा है माशाल्लाह। और ये सब घर का बकरा है भाई जी? जी भाई। भाई ये नक पे की केजी पे? ये नक पे है भाई माशाल्लाह। तो भाई इसका आप रेट क्या बोलोगे? इसका रेट आएंगे लेने इंशाल्लाह, तभी बता देंगे। अच्छा मतलब भाई की चीज़ है, तो इसमें मैं कुछ फोर्सफुली नहीं कर सकता, बट आप आओगे तो इंशाल्लाह कम में ही देंगे मेरा
का जहाँ तक है, क्योंकि मैं भाई से बात हो चुकी है, भाई बोले इंशाल्लाह कम में ही करेंगे, क्योंकि सबको गुज रखना और भाई लोग को ये माल बेचना ही। जी भाई जी। और आपके पास टोटल बड़े बकरे में कितने बकरे भाई? 80 बकरे हैं भाई। 80 बकरे, और माशाल्लाह सारे बकरे तो मेरे को 180 के ऊपर ही लग रहे हैं। टोटल आपके 100 के ऊपर कितने बकरे होंगे आपके हिसाब से? ऊपर 60 बकरे होंगे भाई। 100 के ऊपर गाइस 60 बकरे होंगे माशाल्लाह। तो मतलब अगर एक बकरा भी 100 किलो का है तो अब देख लो आप कितने कितने बकरे। ये गाइस मेरे पूछे पीछे ना जो सारे 80 के ऊपर बकरे, 100 के ऊपर बकरे, ये सारे बड़े बकरे, और ये सब राजस्थानी है, सब सबके सब राजस्थानी है। और सबका वो कुछ बकरे किलो पे भी है भाई, जो 100 के ऊपर है वो नक पे। इनका कहने का मतलब है जो 100 किलो के ऊपर रहेगा ना वो नक पे रहेगा, और जो 100 के नीचे रहेगा वो किलो पे रहेगा। वो किलो पे रहेगा, ठीक है। वो जैसा भी रहेगा, आप आओगे यहाँ विजिट करोगे ना गाइस, ये जोगेश्वरी में ही है। मैं भाई भाई आप कोई नंबर बोल दो ना जो मैं डाल सकता हूँ। 8657363768, ठीक है। ये जो भी नंबर ये मेरे को देंगे, मैं गाइस आपको है ना वीडियो के क्लिप में चलते हुए डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, एड्रेस भी डाल दूंगा। ये है वैशाली नगर में। जी जी भाई, जोगेश्वरी वेस्ट, वैशाली नगर, मदनी बाग हॉल। ओके ठीक है गाइस, यहाँ पर भी विजिट करो यार, बहुत प्यारे प्यारे माशाल्लाह बकरे हैं। ये सब बकरे आके भाई कितना टाइम हुआ आपको लेके आके यहाँ पर? ये 4 दिन हो गया। तो गाइस ये बकरे माशाल्लाह 4 दिन हो गए, और यहाँ पर काफ़ी सारा स्टॉक है इनके पास, 400 बकरे हैं माशाल्लाह भाई। तो अल्लाह आपको कामयाब करे भाई। अब आ जाते हैं भाई जो मीडियम बकरे हैं वो दिखा सकते हो आप? जी जी भाई। तो आ जाते हैं चलो मीडियम बकरे देखने में। और ये सब गाइस देख रहे हो बकरे, मैं हट जाता हूँ तो आप देख लो, ये सब 80 किलो के ऊपर के बकरे गाइस, ये सारे के सारे 80 किलो के बकरे ऊपर है। तो गाइस अब हम आ जाते हैं मिडल मतलब मीडियम बकरे पे। तो भाई ये बरबरा है, ये दोनों बरबरा है भाई। ये कितने किलो के बकरे होंगे आपके हिसाब से? ये अराउंड 50-55 के होंगे भाई। तो भाई ये नगमे या केजी में? ये केजी पे भाई। तो इसका पर केजी क्या रहेगा? 530 रुपया केजी भाई। माशाल्लाह गाइस आप देख सकते हो, ये कम ही लगा रहे हैं 530 रुपया। जैसे भाई को नेगोशिएबल करने पे आएगा, जोड़ी ले रहा है लोग से मुनासिब होगा कर देंगे। तो भाई आप में मीडियम, आपके इसमें मीडियम कितने बकरे होंगे टोटल? इसमें 80 बकरे होंगे माशाल्लाह। तो गाइस आप देख सकते हो मीडियम में भी 80 बकरे। इसमें अंडू भी है भाई? जी जी भाई, अंडू भी है, खस्सी भी है, मतलब इसमें मिक्स है मीडियम में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ अंडू अवेलेबल नहीं है, सारे बकरे अवेलेबल है। कश्मीरी देख लिए आप, सौगत देख लिए, उसके बाद में ये देख लिए, ये राजस्थानी बड़ा देख लिए, राजस्थानी छोटे देख लिए, अब ये देख लीजिए मीडियम बकरा है गाइस। मतलब कैसा है, अफोर्ड हर कोई कर सकता है, ये 35 kg के ऊपर का ही बकरा है। तो भाई इसमें जो कोई कोई ऐसा बकरा है जो 50 क्रॉस हो, 60 क्रॉस हो? 60 मिनिमम, मैक्स टू मैक्स 60 kg तक है इसमें। ओके, मैक्स टू मैक्स 60 kg है, मतलब 35-60 kg के बीच में ही आपको बकरा मिलेगा। और यहाँ का इसका जो प्राइस है ये बढ़ेगा, इसका क्या है 530 मीडियम का आप लेने आओगे तो 530 में लगा देंगे। अगर भाई लोग के इसमें कुछ हक में रहा तो नेगोशिएबल भी हो जाएगा। तो भाई इसमें कोई देसी वगैरह नहीं अवेलेबल है आपके पास कि अवेलेबल है छोटे? अवेलेबल है भाई, छोटे छोटे में भी देसी अवेलेबल है। आप आओगे गाइस तो देखोगे देसी बकरा, बहुत सारे लोगों को, मे बी आप जो यूज़र हो उन लोग को समझता नहीं है, देसी बकरे भी ऐसे ही होते हैं, मीडियम होते हैं। कोई देसी बकरे हाइटेड होते ही नहीं है, देसी बकरे मीडियम ही होते हैं। तो आप लोग थोड़ा नॉलेज ले लोगे, तो भाई को तो नॉलेज है मेरे से ज़्यादा माशाल्लाह। तो भाई से मैं पूछ रहा हूँ, तो भाई अभी चलते हैं, अंडूल दिखा दो मेरे को अगर आपके पास है तो। जी भाई। तो चलो अंडूल देखो, और भाई कोई जोड़ी लेगा तो भी वही केजी में ही रहेगा? जी जी, केजी में ही। जो भी आप लोगे सब केजी में रहेगा, बट कैसा नेगोशिएबल थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो अभी आ जाते हैं हम अंडू पे, देख सकते हो गाइस ये सारे राजस्थानी बकरे है, और ये बरबरा खूबसूरत, देखो खूबसूरती देखो गाइस उन लोग की माशाल्लाह, देखो फुर्तीले भी बहुत है। तो अब आ जाते हैं अंडू पे। तो चलो सो गाइस अब आ गए हम अंडू में। इसमें आप बोलोगे कि अंडू नहीं है, गाइस अंडू इनके पास माशाल्लाह है, लेकिन वो क्या कर रही है, ज़्यादा जो सरफर अंडू है ना, जो मतलब ज़्यादा चूचा कर रहे हैं उन लोग को अलग साइड में कर दिए, बिकॉज इन लोग में ज़्यादा मस्ती है। देख सकते हो अभी कितने शांत से बैठे हैं। तो भाई ये सब नगमे दोगे या केजी में दोगे? ये भी केजी पे भाई। ये भी केजी पे। तो आपके हिसाब से ये कितने केजी का बकरा होएगा? ये 65 होएगा भाई। और पर केजी का आप कितना लगाओगे? इसका 580। ओके, जो 70 किलो के ऊपर है, 70 किलो के जो ऊपर रहेगा उसका 580 रहेगा, जो 70 के नीचे वो 550 रुपया किलो, जो 70 के नीचे रहेगा वो 550 रुपया। तो भाई ये जब ज़्यादा सरफर अंडू है वो देख सकते हो आप, 8-10 है और बहुत ज़्यादा ही है। इसको देख लो भाई, ये भी ये सब राजस्थानी है भाई, राजस्थानी है भाई। ये सब आपके घर का ही बच्चा जी, है जी भाई। तो इसका क्या बोलोगे भाई, ये कितने केजी का बकरा हो सकता है? ये भी 65 रहेगा माशाल्लाह गाइस। तो देख लो गाइस ये 65 केजी का बकरा है, और इसको थोड़ा घुमा के देखते हैं, इसकी खूबसूरती देखो गाइस। और ये जो इसको बोलते हैं सीना, आप देख सकते हो गाइस ये माशाल्लाह हाइटेड भी है। तो ये भाई आप 65 केजी का, इस ये क्या रेंज में दोगे? ये 550। तो आप देख सकते हो हर मतलब केजी पे ही है, आप केजी के ऊपर है कितना क्या डिपेंड करता है। और भाई ये दोनों बकरे, ये दोनों भी अंडू है क्या? अंडू है।
तो इतने शांत क्यों बैठे? ये सेपरेट कर दिए ना इनको भाई, सेपरेट कर दिए भाई लोग, इसके लिए शांत बैठे, ये दोनों सो रहे, इन लोगों को सोने दो भाई। ये माशाल्लाह ऊंचा बकरा लग रहा है, तो ये आपके हिसाब से कितने केजी का बकरा होएगा? ये 75 केजी का बकरा होएगा। उठा के दिखा सकते हो भाई? चलो माशाल्लाह। तो गाइस ये कितने बोले आप? 75। ये 75 केजी का बकरा है, तो इसका पर केजी कितना रहेगा भाई? 580 माशाल्लाह। गाइस इसके हरकत देखो, ये काफ़ी हरकत है, ये बच्चा खेल रहा है इसके साथ भाई। ये भी आपके घर का ही बकरा है? जितने सारे बकरे सब आपके जी, घर जी के भाई। तो इसका 580 है पर केजी का, 75 केजी है बकरे की, और माशाल्लाह काफ़ी हाइटेड है भाई ये। और वो सारे जो अंडू है वो सब वहीं पर रखे गए क्या, बड़े राजस्थानी के साथ? जी जी जी। ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइस, और आपको विजिट करना रहेगा तो मैं आपको एड्रेस और नंबर भाई लोग का डाल दूंगा। भाई का नाम बोलिए, हमजा भाई का नाम हमजा, और रियान भाई जो मेरे साथ बकरा दिखा रहे थे वो, और भाई आपका फार्म का नाम बोल दीजिए ना। अल बुराक गोट फार्म। अल बुराक गोट फार्म, ये जोगेश्वरी वैशाली नगर में, ये वेस्ट में आता है भाई। जी भाई वेस्ट, ये वेस्ट में आता है। ठीक है, तो अभी आप चलते हैं, अब यहाँ पर व्लॉग ये वाला एंड करते हैं। बाकी भाई लोग के पास और भी स्टॉक आने वाला है क्या भाई? इंशाल्लाह भाई आने वाला है, तो और भी स्टॉक ये आने वाला है। यहाँ पर 400 बकरे भाई लोग की, और जो स्टॉक आएगा भाई इंशाल्लाह मैं फिर से विजिट करने आऊँगा आप लोग के पास, इजाज़त रहेगी तो जी, जी। और बाकी सब देख ही लियो आप लोग गाइस बकरे, तो जैसा भी जो भी रहेगा, कुछ आप लोग को क्लैरिफिकेशन करना रहेगा, जो कुछ भी रहेगा गाइस, मैं आपका इनका नंबर डाल दूंगा लिंक और डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। और बाकी आप लोग तो देख ही लियो सारे बकरे, अब मैं थक चुका हूँ, तो अब चलो चलते हैं, बाय। सो गाइस व्हाट्सअप, अब मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। ये मेरे साथ रियान भाई है और मेरे साथ हमजा भाई है, जो बेचारे मेरे साथ थक चुके। अब यहाँ पर अपना ब्लॉग एंड करते और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे। ये ब्लॉग भी मैं आज ही में इंशाल्लाह अगर हो सकेगा तो मैं डाल दूंगा, पॉसिबल हुआ तो। फिलहाल तुम लोग की हालत आप देख लो। रियान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमजा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई।